13% ची कॅपॅसिटी आहे आणि 1000 kg ची कॅपॅसिटी आहे, बराबर। आता अभी आपको समझना चाहिए, अगर इसके अंदर 13 से ज़्यादा जाते हैं तो हमको पहले ही उनको रोकना है, बराबर। इसमें 13% की कैपेसिटी है तो 13 के अंदर से ही लोग जाना चाहिए, बराबर। अभी इमरजेंसी में हमारे पास लिफ्ट के अलावा हमारे पास स्टेयरकेस है। क्या है? स्टेयरकेस है। जब भी इमरजेंसी होती है यानी आग लगती है तब हमको लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं करना है। क्या करना है? सिक्योरिटी को जो भी लिफ्ट है वो कहाँ पे लाना है? ग्राउंड पे लाके उसको बंद करना है। क्या करना है? ग्राउंड पे लाके उसके अंदर जो रहे फायर, यानी मैंने एम किया है, मैंने क्या किया है? एम किया है, बराबर। उसके बाद में स्क्वीज द लीवर, लीवर को क्या करूँगा? मैं स्क्वीज करूँगा। अब यहाँ से पाउडर निकलेगी, हवा का रुख कहाँ पे है? वहाँ पे ही है ना। तो इस तरह से मैं उसको इस्तेमाल करूँगा। आप देख सकते हो मैंने फायर एक्सटिंग्विशर का लेयर उसके ऊपर दिख गया आपको। ये मेल कपलिंग एक हाथ से पकड़ना है और खींचना है ताकि वो नीचे ना गिरे, बराबर। मैं अंदर, अभी आप क्या करोगे इसको लेके आ जाएंगे, बराबर। अभी इन्होंने क्या किया है? आओ आग जला दी है सर। लकड़ा ईंधन है, आग लग सकती है अगर शॉर्ट सर्किट होता है तो। इलेक्ट्रिसिटी पावर सप्लाई ईंधन है, गैस की आग लगती है तो गैस एक ईंधन हुआ, बराबर। पेट्रोल डीजल केरोसिन वो भी एक ईंधन हुआ। तो इसका मतलब जहाँ पे आग लगती है, जिसको आग लगती है, जिसको आग पकड़ती है वो फ्यूल हुआ। हीट, ऑक्सीजन और फ्यूल, ये तीनों एक साथ जब आते हैं तब क्या होता है? आग लगती है। तो ये तीन चीजों में से हमको एक को हटाना होता है। क्या होता है? एक को हटाना होता है। वो कौन सा हटाएंगे हम लोग? हीट को हटाएंगे तो क्या करेंगे? साधारण आग लगी है। अभी आपको मैं बताता हूं कौन से कितने क्लासेस ऑफ फायर है। एक क्लास ऑफ फायर यानी लकड़े को लगी हुई आग, कपड़े को लगी हुई आग, फुट्टे को लगी हुई आग, यानी साधारण आग हुआ। यानी हम लोग उसको क्या कर सकते हैं? पानी से भी बुझा सकते हैं। और हमारे पास जो फायर एक्सटिंग्विशर है यहाँ पे लिखा हुआ है ए बी और सी, या आप देख सकते हो ए बी सी, यानी ए क्लास ऑफ फायर ए बी सी फायर एक्सटिंग्विशर हमारे पास है, उससे हम वो आग बुझा सकते हैं, बराबर। ए क्लास ऑफ फायर, समझ में आया सबको? लकड़े को लगी हुई आग, जोर से बोलो, लकड़े को लगी हुई आग, कपड़े को लगी हुई आग, कोयले को लगी हुई आग, ये आग लगती है तो हम उसे एक क्लास कहेंगे। क्या कहेंगे? एक क्लास ऑफ फायर कहेंगे। एक क्लास ऑफ फायर का मतलब साधारण आग, जनरल फायर, सॉलिड फायर, ठीक है, समझ में आया। उसके बाद में हमारे पास कौन सा क्लास है? बी क्लास। एक के बाद क्या आता है? बी क्लासेस ऑफ फायर, यानी पेट्रोल डीजल केरोसिन को लगी हुई आग। पेट्रोल डीजल केरोसिन को लगी हुई आग को हम क्या कहेंगे? बी क्लासेस ऑफ फायर, बराबर। हमारे पास कौन सा क्लास का फायर एक्सटिंग्विशर है? ये रहा बी और ये रहा सी। इसके अंदर क्या है और इसके अंदर क्या है, क्या बता सकते हो आप? ये भी बी और सी है, ये भी बी और सी है। बी क्लास और सी क्लास फायर एक्सटिंग्विशर के लिए हम लोग आग बुझा सकते हैं, बराबर। ये फायर एक्सटिंग्विशर का हम इस्तेमाल करके ये आग को हम बुझा सकते हैं। उसके बाद क्या आएगा? सी क्लास। सी क्लास यानी गैस की आग। गैस की आग जानते हो ना आप? गैस की आग कहाँ लगती है? यहाँ पे गैस की पाइपलाइन का कलर मालूम है आपको? क्या है? जोर से बोलो, रेड कलर। गैस के पाइपलाइन का कलर रेड, रेड, रेड कलर। गैस की पाइपलाइन है क्या यहाँ पे? नीचे। तो हमारे पास गैस के पाइपलाइन का कलर है येलो। क्या है? येलो कलर का पाइपलाइन होता है वो गैस का पाइप होता है, बराबर। और रेड कलर का पाइप जो होता है वो
फायर हाइड्रेंट, फायर के लिए उसके अंदर पानी होता है, जो स्प्रिंकलर लगा हुआ यहाँ पे है, यहाँ पे हाँ, तो जहाँ पे पार्किंग है वहाँ पे लगा हुआ है बराबर। पेट्रोल डीजल केरोसिन को लगी हुई आग को हम एबीसी का फायर एक्सटिंगुइशर का इस्तेमाल करेंगे, बीसी का फायर का एक्सटिंगुइशर का इस्तेमाल करेंगे, और सी क्लास के लिए हम एबीसी का फायर एक्सटिंगुइशर का इस्तेमाल करेंगे। गैस की आग लगती है तब। उसके बाद में डी क्लास यानी मेटल फायर, कौन सा फायर है? मेटल फायर यानी धातु को लगी हुई आग बराबर। जो बड़े बड़े कंपनियों में होती है धातु, मेटल फायर होते हैं, मेटल होता है वहाँ पे, उसका ज़्यादा करके काम होता है वहाँ पे। डीसीपी ड्राई केमिकल पाउडर का फायर एक्सटिंगुइशर का इस्तेमाल करके हम लोग वो आग क्या कर सकते हैं? बुझा सकते हैं बराबर। उसके बाद में ई क्लास यानी इलेक्ट्रिकल फायर बराबर। इलेक्ट्रिकल फायर का कब होता है? शॉर्ट सर्किट कैसे होता है? फेज न्यूट्रल एक साथ आती है, जुड़ जाती है, तब शॉर्ट सर्किट होता है। लूज कनेक्शन की वजह से होता है, हाई लो वोल्टेज की वजह से होता है, केबल गर्म हो गई, शॉर्ट सर्किट हुआ, केबल जल गया, यानी फेज न्यूट्रल दोनों जल गए तो क्या होगा? स्पोर्ट, आग लगती है, शॉर्ट सर्किट होता है। तब हमें क्या करना है? हीट, ऑक्सीजन और फ्यूल, ये तीन चीज़ें हैं। उसमें से जो फ्यूल है, अभी इलेक्ट्रिसिटी की आग लगती है तो हम लोग क्या करेंगे? फ्यूल को हटाने के लिए क्या करेंगे? हम लोग सप्लाई बंद करेंगे, यानी उसको क्या बोलते हैं? क्या करेंगे? सप्लाई। इलेक्ट्रिसिटी की आग लगती है तो पहले हम क्या करेंगे? सप्लाई बंद करना, यानी स्टारवेशन करना। क्या करना है? स्टारवेशन, यानी फ्यूल को हटाना मतलब स्टारवेशन करना। ये समझ गए? गैस की आग लगती है, हम लोग कैसे स्टारवेशन करेंगे? उसकी मेन पाइपलाइन जो है उसका वॉल हम बंद करेंगे, तब जाके सप्लाई बंद होगा। समझ गए? अभी कहीं पे भी घर में सिलेंडर होता है बराबर, उसको नॉब रहता है, उसका मेन वॉल जो होता है एक सिलेंडर का होता है और एक उसके पाइपलाइन गैस होती है, तो उसके आगे भी एक वॉल होता है, उसके और आगे भी एक वॉल होता है। जो वॉल हम बंद करेंगे, जिसको हम बंद कर सकते हैं, वो अगर बंद करते हैं तो सप्लाई बंद होगा। जैसे कि गैस लीकेज हुआ बराबर, सिलेंडर लीकेज हुआ, उसमें से आवाज आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे? मेन वॉल आगे का बंद करेंगे। मेन वॉल बंद करने के बाद क्या होगा? गैस स्टॉप होगा बराबर, जो पाइपलाइन का गैस होता है। लेकिन सिलेंडर का गैस होता है तो क्या करेंगे हम लोग? मेन सिलेंडर को भी एक वॉल रहता है। समझ गए? तो ये चीजें अगर हम करते हैं, फ्यूल को स्टॉप करते हैं, तो अब आग को हम बुझा सकते हैं आगे चल के। नहीं तो यहाँ पे फायर एक्सटिंगुइशर है, ये फायर एक्सटिंगुइशर में कितना है? फायर एक्सटिंगुइशर में 5 kg का फायर एक्सटिंगुइशर, ये कितना है? 10 kg का है क्या? 9 kg का, 9 kg का CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। मगर इलेक्ट्रिसिटी MACP का अपना सप्लाई अगर सप्लाई अगर नहीं बंद करते तो ये हमारा गैस कब तक चलेगा? जब तक 9 kg ख़त्म नहीं होता तब तक चले, उसके बाद में। लेकिन सप्लाई अगर चालू ही रहेगा तब आग भड़क सकती है और आगे चल के, यहाँ पे सामने लकड़ा है, यहाँ पे सामने प्लास्टिक है, ये सब जल जाएगा। समझ गए? तो इसके लिए हमको पहले मेन क्या करना है? फ्यूल को हटाना, यानी स्टारवेशन करना है। क्या करना है हमको? फ्यूल को हटाना है यानी स्टारवेशन करना। समझ गए? हमेशा ये ध्यान में रखो। अभी आपको ये फायर एक्सटिंगुइशर के बारे में आपको मालूम था, कहाँ पे इसका लोकेशन है मालूम है? नहीं था ना, अज्ञान है ना हम लोग। तो हमको ये फायर एक्सटिंगुइशर, हम लोग ड्यूटी कर रहे हैं मगर हमको मालूम नहीं हमारे इक्विपमेंट कहाँ कहाँ पे लगे हुए, ये जो इक्विपमेंट है कहाँ कहाँ लगे हुए ये हमको मालूम होना चाहिए। अगर नहीं मालूम है तो हमको वहाँ पे जाएंगे ये भी कैसे और उसका इस्तेमाल भी कैसे करेंगे? जब जानकारी नहीं है हमको कहाँ पे इंस्ट्रूमेंट रखा है, यहाँ पे इक्विपमेंट रखा है। अभी ये CO2 है, BC का फायर एक्सटिंगुइशर है और 3 टाइप का है, ये ABC है। समझ गए?
अभी आपको समझ में आया, ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास, डी क्लास, ई क्लास। ए क्लास साधारण आग, बी क्लास पेट्रोल डीजल केरोसिन, सी क्लास गैस की आग, डी क्लास मेटल की आग और ई क्लास इलेक्ट्रिसिटी की आग। बराबर, ये सारी चीज़ें फ्यूल है, उसको हम हटाने के लिए उसको पहले स्टार्वेशन करेंगे और फिर ये फायर एक्सटिंग्विशर से हम क्या करेंगे, इसको बुझाएंगे। समझ गए? अभी ये फायर एक्सटिंग्विशर है, ये कैसे इस्तेमाल किया जाता है, इसका एक मेथड है। कौन सा मेथड है? पास, पी ए डबल एस। क्या है? पी ए डबल एस। बराबर, ये पास का मेथड है। अभी ये फायर एक्सटिंग्विशर है, अगर हमको आग लगाना है, आग लगाएगी लगाएंगे तो हम इसको इस्तेमाल करके हम लोग बुझा सकते हैं। मगर अभी आप देख सकते हो इसको गेज है। क्या है? ये फायर एक्सटिंग्विशर को गेज है, यानी इसके अंदर ये नीडल जो है आप देख सकते हो, ये नीडल कहाँ पे है? बीच में, यानी ग्रीन पे है। अगर वो रेड पे चला जाता है तो इसका मतलब इसके अंदर प्रेशर नहीं है, इसके अंदर जो भी पाउडर रहेगा वो बाहर निकल नहीं पाएगा। बराबर, इसके अंदर क्या है, ए बी सी है, इसका इस्तेमाल अलग से किया जाता है। बराबर, ये ऊपर का नॉब है, ये सेफ्टी पिन है, इसको दबाया जाता है, इसको ऐसे दबाया जाता है और इसको वॉल से ओपन किया जाता है। बराबर, अभी आप हम लोग जानेंगे इसको, इसके बारे में। बराबर, हमारा पहला अल्फाबेट है पास का, क्या है? पी, पी फॉर, पी फॉर पुल द सेफ्टी पिन। क्या करेंगे हम लोग? सेफ्टी पिन को निकालेंगे। मगर उसके पहले अभी देख सकते हैं आप, यहाँ पे सील लगा हुआ है, ये सील को हमको तोड़ना है। कई कई बार सील को तोड़ने भी नहीं आता है अपने को, ऐसा होता है कहाँ से तोड़ना, कैसे, ये इसको ऊपर करेंगे तो ये निकल जाएगा, टूट जाएगा, उसके बाद में ही हम ये सेफ्टी पिन को निकाल सकते हैं। सेफ्टी पिन को निकालने के बाद ये सेफ्टी पिन, यहाँ से पुल द सेफ्टी पिन। बराबर, उसके बाद में यहाँ पे उसके लिए ये भी रखा है और एक सेफ्टी, तो इसको हम दबा नहीं सकते जब तक ये ग्रीन निकल नहीं सकता है, निकल नहीं पाएंगे हम लोग, तो निकालेंगे नहीं तो, ठीक है? तो ये पुल द सेफ्टी पिन हुआ। उसके बाद में कौन सा अल्फाबेट है? ए, ए फॉर, ए फॉर एम द बेस ऑफ फायर, जहां पे आग लगी है उसको हम क्या करेंगे, ये होस पाइप है, बराबर, इसको हम बाएं हाथ से पकड़ेंगे और क्या करेंगे, जहां पे आग लगी है क्या करेंगे, जहां पे आग लगी है उसको हम क्या करेंगे, एम द बेस ऑफ फायर, क्या करेंगे, आग लगी है, आग सामने आग लगी है, यहाँ पे 5 फीट लंबा, क्योंकि इसके अंदर प्रेशर है, प्रेशर से पाउडर आपको आगे बढ़ा देगी, इसके लिए आपको उसके ऊपर मारना है, नेगेटिंग करना है, क्या करना है, ऑक्सीजन को कट करना है, समझ गए ना, हीट, ऑक्सीजन और फ्यूल, क्या होगा, ऑक्सीजन को कट करना है, तो ऑक्सीजन कट होगा कैसे, ये पाउडर उसके ऊपर जाके चदर करे, चदर का काम करेगी, यानी ब्लैंकेटिंग करेगी, ठीक है, इस तरह से आपको पकड़ना है। हमारा बाया पैर आगे रहेगा, दाया पैर पीछे रहेगा और ये पोजीशन में हम लोग रहेंगे। लेकिन इसमें भी हमको देखना है, क्या देखना है, इसमें भी देखना है हवा की दिशा कहाँ से है, अगर बाहर आग लगी यहाँ पे हवा की दिशा नहीं है, हम लोग मार सकते हैं, मगर ज्यादा करके अंदर की तरफ मारेंगे तो यहाँ पे इसके अंदर से क्या निकलेगा, पाउडर निकलेगा। बराबर, इस तरह से हम लोग पकड़ेंगे एक द बेस ऑफ फायर, जहाँ पे आग लगी उसके फ्लेम आपका ज्वाला जो होता है उसके ऊपर नहीं मार रहा है, आपके बेस पे एक द बेस ऑफ फायर, क्या करेंगे हम लोग, एक द बेस ऑफ फायर। फिर बाद में क्या करेंगे हम लोग, एस फॉर स्विच द लीवर, ये जो लीवर है आप देख सकते हो क्या है, लीवर है, ये लीवर को हमको क्या करना है, दबाना है, मगर इसके लिए पहले ये निकालना है, ठीक है, मैं क्या करूंगा, एस फॉर स्विच द लीवर, इस लीवर को मैं क्या करूंगा, दबाएंगे, और फिर बाद में दूसरा एस, एस फॉर स्विच होस पाइप साइड बाय साइड, समझ गए, स्वीप होस पाइप, यानी होस पाइप को हमको क्या करना है, स्वीप करना है, हाँ, लेफ्ट राइट स्वीप करना है और आपको क्या करना है, बुझाना है, इसके ऊपर पाउडर की चंदर लेयर आएगी, ठीक है। अभी यही फायर एक्सटिंग्विशर है, ये एबीसी साधारण आग बुझाने के लिए भी है, पेट्रोल डीजल केरोसिन के लिए भी है और
और इलेक्ट्रिसिटी की आग बुझाने के लिए भी है। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे बीसी फायर एक्सटिंग्विशर, कौन सा है? बीसी टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर। इसको क्या करेंगे हम लोग, पुल द सेफ्टी पिन को निकालेंगे, लेकिन निकालने से पहले हमको सील को क्या करना है, तोड़ना है। क्या करना है? सील को तोड़ना है। उसके बाद में हम क्या करेंगे, एम द बेस ऑफ फायर, सेम पोजिशन है। एम द बेस ऑफ फायर कैसे करेंगे हम लोग, इसको पाइप को इसमें से निकालेंगे, ये निकाल दिया बराबर, ये निकाल दिया, ये ज्यादा करके हार्ड हो जाए, इसको हमको क्या करना है, प्रेस करना है। किसी को मालूम नहीं तो घुमा दे बैठेगा, पता नहीं चलेगा, जब तक हम इसको यूज नहीं करेंगे तब तक पता नहीं चलेगा। ये ज्यादा करके कार्टेज को अंदर से तोड़ देता है जब हम इसको प्रेस करेंगे। प्रेस किया यानी स्विच का लीवर नहीं, इसको क्या करना है, प्रेस करना है, और उसके बाद में स्विच हो साइड साइड बाय साइड, समझ गए? ये हो गया बीसी फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करना। इसको हमको जोर से प्रेस करना, दबाना है, दबाने के बाद उसका ये टूट जाए, समझ गए? लेकिन सेफ्टी पिन निकालने के बाद, उसके बाद में हमारे पास CO2 है। आप CO2 देख सकते हो, CO2 में क्या होता है कौन बताएगा, CO2 में क्या होता है? CO2 यानी, हाँ, CO2 का मतलब क्या है, CO2 का फुल फॉर्म क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या है? इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। कौन सा गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, बराबर। ये इलेक्ट्रिसिटी की, पेट्रोल डीजल केरोसिन की आग लगती है तब हम इसको इस्तेमाल करेंगे, बराबर। गैस की आग लगती है, इसका इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर से क्या निकलेगा, गैस निकलेगा जो ठंडा है। हाँ, क्या लगा नहीं गया कुछ तेज बोलते तिकडे अरेंजमेंट करा, म्हणजे हे कपडे आपलं पुट्टे वगैरे लावून, लाकडं वगैरे लावून, आणि पेट्रोल कार्ड असेल काय तर त्याच्याने आपण लावल्यानंतर लगेच आग लावू आपण, हे फायर एक्सटिंग्विशर करू, यूज करू, ठीक आहे? समज गए हम लोग, अभी जानकारी आपको मिली है। क्या मिली है जानकारी? कि ये फायर एक्सटिंग्विशर यहाँ पे रखा है, अभी जहाँ पे रखा है उसको आपको मालूम होना चाहिए, जब आग लगेगी हमको इस्तेमाल करना है। फ्यूल को हटाने के लिए स्टार्वेशन करेंगे, ऑक्सीजन को हटाने के लिए ब्लैंकेटिंग करेंगे, चाहे वो कंबल हो या पाउडर से या CO2 गैस से, उसको इस्तेमाल करके ब्लैंकेटिंग करेंगे। और हीट को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, जोर से बोलो, हीट को हटाने के लिए कूलिंग करेंगे, हीट को हटाने के लिए कूलिंग, हीट को हटाना, जो आप जो मैं बोल रहा हूँ वो बोलो, हीट को हटाने के लिए, हीट को हटाने के लिए कूलिंग करेंगे, कूलिंग करेंगे, जोर से बोलो, कूलिंग करेंगे, हीट को हटाने के लिए कूलिंग करेंगे, मैं जो बोलता हूँ वही बोलो, हीट को हटाने के लिए कूलिंग करना करेंगे, मैं जो बोलता हूँ वही बोलो ना, हीट को हटाने के लिए, हीट को हटाने के लिए कूलिंग करेंगे, कूलिंग करेंगे, ऑक्सीजन को हटाने के लिए ऑक्सीजन हटाने के लिए ब्लैंकेटिंग करेंगे, ब्लैंकेटिंग करेंगे, फ्यूल को हटाने के लिए फ्यूल को हटाने के लिए स्टारवेशन करेंगे, स्टारवेशन करेंगे। तीन चीजें एक साथ आती है तो आग लगती है, हीट ऑक्सीजन फ्यूल, ये तीन चीजें एक साथ आती है तो आग लगती है, उसमें से हीट को हटाने के लिए हम कूलिंग करेंगे, ऑक्सीजन को हटाने के लिए ब्लैंकेटिंग करेंगे, और फ्यूल को हटाने के लिए स्टारवेशन करेंगे। फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करने के लिए हमारे पास ABC है, BC फायर एक्सटिंग्विशर है, और कार्बन डाइऑक्साइड सिलेंडर भी है। इलेक्ट्रिसिटी की आग बुझाने के लिए हम CO2 का कार्बन डाइऑक्साइड गैस का इस्तेमाल करेंगे। साधारण आग लगती है, पेट्रोल डीजल केरोसिन की आग लगती है, गैस की आग लगती है, तो ये हम तीन चीजों को
एबीसी फायर एक्सटिंगुइशर का इस्तेमाल करके फायर हाइड्रेंट सिस्टम मालूम है आपको? फायर हाइड्रेंट सिस्टम क्या है जानते हो? यहाँ पे सामने आपको दिख रहा है स्टैंड बाय फायर हाइड्रेंट राइजर, क्या बोलते हैं उसको? स्टैंड बाय फायर हाइड्रेंट राइजर, यानी एक जगह पे राइजर लगा हुआ है। उसके अंदर क्या है आप देख सकते हो, फीमेल कपलिंग है। क्या है? फीमेल कपलिंग। और ये मेल कपलिंग है, तो ये मेल कपलिंग उस फीमेल कपलिंग के अंदर अटैच होगा। क्या होगा? अटैच होगा, यानी समझ गए ये कौन सा पाइप है? कैनवास होस पाइप, जो से बोलो कैनवास होस पाइप, ये मेल कपलिंग है। समझ गए? ये मेल कपलिंग, जोर से बोलो मेल कपलिंग। और ये उसके दूसरी बाजू में फीमेल कपलिंग है। क्या है? जैसे फायर हाइड्रेंट राइजर के यहाँ पे जो लगा हुआ है वो फीमेल कपलिंग है। कौन सा कपलिंग है? फीमेल कपलिंग, जिसको लक्स लगा हुआ है। अभी आप देख सकते हो ये लक्स, देख सकते हो ये लक्स लगा हुआ है। क्या है? लक्स है जो खींचा जाता है, और उसके अंदर उसको खींचने के बाद हम लोग मेल कपलिंग को अटैच करेंगे। बराबर नहीं करेंगे तो भी, खींचेंगे तो भी वो अंदर जाएगा, लेकिन निकालने के वक्त हमको लक्स को खींचना है, अपने पास खींचना है। समझ गए? तो कोई कोई घुमा देता है लक्स को, तो हम लोग क्या करेंगे, लक्स को खींचेंगे और फिर बाद में वो मेल कपलिंग बाहर निकलेगा। अभी इसमें जो मेल कपलिंग जाएगा और उसको लास्ट बाजू में क्या है? फीमेल कपलिंग है। क्या है? फीमेल कपलिंग। क्या आगे क्या रहेगा? क्या रहेगा फीमेल कपलिंग के आगे? पानी हम लोग छोड़ेंगे वहां से, फिर आगे क्या रहेगा? नोजल ब्रांच पाइप, क्या बोलते हैं उसको? ब्रांच पाइप आगे जो रहता है ना, उसको वो जो लक्स को लगेगा उसके अंदर जाएगा, लेकिन लक्स अपन खींचेंगे दोनों साइड से तब जाके अंदर जाएगा, नहीं तो प्रेस करेंगे तो भी जाएगा, मगर निकालने के वक्त जो ये है लक्स, देख सकते हो ना आप, लक्स दिख रहा है ना, ये लक्स, इसको खींचेंगे तब जाके जो लॉक बाहर की तरफ जाएगा और उसके अंदर ब्रांच पाइप जाएगा। तो समझ गए आप लोग, ये कैनवास होस पाइप, मेल कपलिंग, फीमेल कपलिंग, स्टैंड बाय फायर हाइड्रेंट राइजर, उसमें अटैच होगा और आगे जाके हम लोग उसको वॉल ओपन करेंगे तो पानी निकलेगा, मगर सेम पोजीशन है जो फायर एक्सटिंगुइशर में प्रेशर है उसी तरह उसके अंदर पानी का प्रेशर होना चाहिए। रेड कलर का जो पाइप है वो फायर हाइड्रेंट पाइप है, फायर हाइड्रेंट का बराबर फायर का पाइप है। एक बड़ा पाइप जो होता है वो होस पाइप के लिए होता है और दूसरा छोटा पाइप होता है वो स्प्रिंकलर होता है जो ऊपर लगे हुए रहते हैं। बराबर पाइपलाइन रहता है ना इतना छोटा पाइप से, ये पाइप से उसके अंदर जो स्प्रिंकलर लगा हुआ रहता है वो स्प्रिंकलर से क्या निकलता है? पानी निकलता है। कब? आग लगने के बाद। वो जो स्प्रिंकलर रहता है उसके अंदर एक ट्यूब रहती है वाइट कलर की, वाइट और रेड, तो उसमें क्या होता है? मर्क्यूरी ट्यूब होती है, वो ब्लास्ट होती है आग की ज्वाला से, आग की ज्वाला वहाँ पे पहुँचती है और 68 डिग्री टेम्परेचर तापमान होने के बाद वो क्या होता है? ब्लास्ट होता है। समझ गए आप सब लोग? हाँ, तब जाके वो फायर एक्सटिंगुइशर अपना स्प्रिंकलर पड़ जाता है और सराउंडिंग द एरिया आग बुझ जाती है। आप देख सकते हो तो इनके कंधे पे जो लगा हुआ है क्या है? कैनवास होस पाइप है। बराबर कैनवास होस पाइप। ये हम क्या करेंगे, जब बड़ी आग लगती है तब हमको इसका इस्तेमाल करना है। क्या करना है? इसका इस्तेमाल करना है, मगर इसका इस्तेमाल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये आप यहाँ पे पीछे आ जाइए, पीछे ये पाइप को पकड़ना है। बराबर ये पाइप को खाली पकड़ना है आपको। रुको, पहले आप क्या करोगे, इसको ये दोनों को पकड़ो, आप पकड़ो, इस तरह से पकड़ना है, आगे बढ़ो, आप पीछे बढ़ो, पकड़ लिया आपने, आप पीछे से ये लो,
अभी ये मेल कपलिंग है, इसको हम लोग कहाँ पे अटैच करेंगे? इसको अटैच क्या करेंगे? अटैच दो सर। ओके समझ गए, ये फीमेल कपलिंग है और ये मेल कपलिंग है, इसको निकालने के लिए ठीक होगा। दिख गया आपको, ये मेल कपलिंग एक हाथ से पकड़ना है और खींचना है ताकि वो नीचे ना गिरे, बराबर गया अंदर। अभी आप क्या करोगे, इसको देखिए आगे आगे क्या किया है? आग जला दी है सर। हाँ तो भिगो दी है। अब आ जाओ इधर। अभी आप देख सकते हो इसके आगे फीमेल कपलिंग है। क्या है ये? कैनवास होस पाइप। इसके अंदर फीमेल कपलिंग है। क्या है? अजय जय जी, क्या है? फीमेल कपलिंग कंपनी ने ये कपलिंग है। क्या है ये? फीमेल कपलिंग। आप आ जाओ यहाँ पे, फीमेल कपलिंग है। अभी यहाँ पे जो कैन होज बॉक्स में ब्रांच पाइप नहीं था, क्या नहीं था? ब्रांच पाइप नहीं था, तो आगे हम लोग को लगाने के लिए ब्रांच पाइप की आवश्यकता है, बराबर। तब जाके उसमें से जो हम लोग वॉल ओपन करेंगे तो ये पानी प्रेशर से ऊपर जाएगा, बराबर। हाँ पूरे ब्रांच पाइप रहता है। क्या रहता है? ब्रांच पाइप। ध्यान में रखो सब लोग, ध्यान में रहेगा, ये ब्रांच पाइप हमेशा ज़रूरी है। जैसे कैनवास होज पाइप है, आगे मेल कपलिंग, ये फीमेल कपलिंग। फीमेल कपलिंग को क्या होगा? ब्रांच पाइप अटैच होगा, ठीक है। अभी हम इसको बंद कर रहे हैं, इस तरह से हमको बंद कर रहा है, लपेट लो। हाँ खाली खाली बस, खाली बस नहीं करते। बराबर है, इसको हमको यूज़ करने के लिए अभी आग लगी है, बराबर। आग लगी है तो आग बुझाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? इसको बुझाने के लिए हमको ये फायर एक्सटिंगुइशर का इस्तेमाल करने लगे, बराबर। इसको हम लोग पहले क्या करेंगे, सील को तोड़ेंगे। ये सील को मैंने क्या किया, तोड़ दिया, बराबर। तोड़ने के बाद मैं इसको क्या करूँगा, पुल द, जोर से बोलो, पुल द सेफ्टी पिन। फिर बाद में ये निकालूंगा और एम द बेस ऑफ फायर, जहाँ पे आग लगी है वहाँ पे क्या करूँगा मैं, जहाँ पे आग लगी है वहाँ पे मैं क्या करूँगा, उसके ऊपर एम द बेस ऑफ फायर, यानी मैंने एम किया है, मैंने क्या किया है, एम किया है, बराबर। उसके बाद में स्क्वीज द लीवर, लीवर को क्या करूँगा मैं, स्क्विच करूंगा। अब यहाँ से पाउडर निकलेगी, हवा का रुख कहाँ पे है, वहाँ पे ही है ना, तो इस तरह से मैं इसको इस्तेमाल करूँगा। आप देख सकते हो मैंने फायर एक्सटिंग्विशर का लेयर उसके ऊपर डाल दिया, तो क्या हुआ, आग बुझ गई। वापस लगा सकते हो आप लोग, सब लोग एक एक करके आके यहाँ पे ये फायर एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल करके देखेंगे। साउंड का पर्व अभी नेक्स्ट कौन है, आप आइए। अभी क्या करोगे, आग लगी है, आपको थोड़ा लंबा रह के आग को बुझाना है। पहले एम द पुल द सेफ्टी पिन निकाला आपने, एम द बेस ऑफ फायर, फिर आगे कीजिए। हाँ और उसके ऊपर मारना है आपको पाउडर, उसके ऊपर पाउडर का लेयर होएगा, ठीक है, मार दो। हाँ थोड़ा आगे बढ़ो, हाँ बस 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 बस, नेक्स्ट क्या बोलना है आपको, पुल द सेफ्टी पिन, एम द बेस ऑफ फायर, स्क्वीज द लीवर, पर लगाओ वापस। पुल द सेफ्टी पिन, सेफ्टी पिन निकालने के लिए पुल करो, पुल द सेफ्टी पिन, एम द बेस ऑफ फायर और स्क्वीज द लीवर, दबाओ।
हाँ सब जगह पे, हाँ बस ओके समझ गए। पुल द सेफ्टी पिन, एम द बेस ऑफ फायर, स्क्वीज द लीवर, स्वीप होज पाइप साइड बाय साइड, दबाओ दबाओ उन लोगों। रेडी? हाँ, पुल द सेफ्टी पिन, एम द बेस ऑफ फायर, स्क्वीज द लीवर, स्वीप होज पाइप साइड बाय साइड, बस आग बुझ गई। अभी आप समझ गए आग कैसे बुझ गई, फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करके ऑक्सीजन कट करके आग बुझ गई। बराबर यही आग हम पानी से भी बुझा सकते हैं, क्योंकि ये लकड़े को लगी हुई आग है। समझ गए? ये लकड़े को लगी हुई आग है, तो साधारण आग है, हम लोग पानी से भी बुझा सकते हैं। और हमारा ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास का फायर एक्सटिंग्विशर लेके भी हम उसको बुझा सकते हैं। अभी हम CO2 का इस्तेमाल करेंगे। अभी CO2 है लावा ना, इलेक्ट्रिक ची आग आता लावू नका, कम्प्युटर लावतोय पण हा तुम्ही ऐकलं ना फर्निचर कम्प्युटर इलेक्ट्रिक वस्तू असं तर तिथं तो यूज नाही करायचा, हा CO2 यूज करायचा। जेणे काय होतं ते तुम्ही फक्त थंड हवेत आपलं प्रोडक्टला असं तर ते डॅमेज नाही होणार। तो राहिलेला हे करून टाक, पुढे संपला का तो फायर एक्सटिंग्विशर? हां तो संपून टाक, माझीच नाही का, मग कसं हे करणार? असं संपव, मग माझी संपून, हां याच्यावर टाका पावडर, मग हां माहिती तेच गेल्या मग जमा ना। हां आपण हे तर यूज करू शकतो, आणि हा फक्त रोल डॅमेज तुम्ही फक्त हे करू शकतो, याला जर तुम्ही खोलला ना त्याच्यातला प्रेशर निघून जातो, त्यामुळे तो आपण यूज नाही करू शकत। ठीक आहे, अभि आम अभि आप देख सकते हो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। कौन सा गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड। इलेक्ट्रिसिटी की आग बुझाने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, इसको सील को तोड़ेंगे और फिर बाद में ये सेफ्टी पिन को क्या करेंगे, निकालेंगे। समझ गए? अभी हम इसको इस्तेमाल करने के लिए हमको कहाँ पे पकड़ेंगे, इसको कहाँ पे पकड़ेंगे? अभी देख सकते हो इसका नोजल लीकेज है ना। हाँ तेज बना पकड़ेगा जरा, इलेक्ट्रिसिटी की आग बुझाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करने के लिए हमको ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस का इस्तेमाल करना है। क्या करना है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस का। मगर ये देखना है हमको, हमको सेफ्टी पिन यहाँ से क्या होता है, जहाँ से जो पानी ये निकलता है, गैस निकलता है, वो बहुत ठंडा रहता है। आप देख सकते हो इसको, वॉल को ठंडा, हाँ ठंडा है कि नहीं? बराबर, ज़्यादा हम लोग इसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये इसको पकड़ना है तो हमको ऊपर से पकड़ना नहीं है, हमको ये रबर को पकड़ना है और फिर ये वॉल को वॉल। अभी आप देख सकते हो कि यहाँ से भी निकला, क्या निकला, क्योंकि ये वॉल जो है नट है ये लीकेज है, बराबर है, बराबर से इसको टाइट नहीं किया है, तो इसके वजह से इसमें से लीकेज, इसमें से लीकेज निकला और क्या होगा, ठंडा। हम लोग इसको टच नहीं कर पाएंगे अभी। अभी आप टच भी कर सकते हैं, देखो टच करेंगे तो भी आपका हाथ चिपक जाएगा, इतना ठंडा होता है, चिपक सकता है, चमड़ी भी निकल सकता। तो ये आपका ये नुकसान है, इसके लिए हमको हमेशा चेक करना होता है, जो फायर एक्सटिंग्विशर जिन कंपनी ने बनाया उनको बताना होता है कि ये लीकेज है, ये लीकेज है, लीकेज की वजह से हम लोग ज़्यादा करके ये वॉल को ओपन भी नहीं कर पाएंगे, इसके यहाँ से हाथ हटाना पड़ेगा हमको। जैसे कि मैं
ये इलेक्ट्रिसिटी की आग बुझाने के लिए यूजफुल है बराबर, मगर ये निकलना कहाँ से है, इसको यहाँ से ही निकालना है, अगर कहीं से भी निकलता है तो ये हार्मफुल है। इसका इसके इसका गैस से हमारा हाथ एकदम ठंडा हो जाएगा, ठंडा पकड़ लेगा। तो हमको ये चीज़ में ध्यान रखना है कि हम लोग इस्तेमाल करते समय हमारा जो फायर एक्सटिंग्विशर है वो सही तरीके से है कि नहीं। जहाँ जहाँ से लूज़ है, लीकेज है, इसमें से गैस नहीं निकलना है। गैस निकलना है तो कहाँ से निकलना है, यहीं से ऊपर से ही निकलना है, तो ही सेफ्टी है हमारे लिए। हाँ, तो ही सेफ्टी है हमारे लिए। अभी आपने देखा, आपने क्या देखा, अभी अभी आपने देखा ये इसमें से भी निकल रहा है, इसमें से भी निकल रहा है और इसमें से भी निकल रहा है, तो ये अनसेफ है हमारे लिए, ताकि कहीं से भी निकल के उसका कोई यूज़ नहीं है। यहाँ से निकलेगा, जहाँ पे आग लगी है वहाँ पे एम करेंगे, वही से उसको आग को बुझाना होता है। समझ गए आप, MACB का सप्लाई, इलेक्ट्रिक का सप्लाई हम लोग जब बंद करेंगे उसके बाद में ये कार्बन डाइऑक्साइड सिलेंडर गैस हमारा इस्तेमाल होगा, उसके बाद में ही हम लोग इस्तेमाल करेंगे, मगर सप्लाई बंद करने के बाद। अगर सप्लाई चालू है तो हम लोग इस्तेमाल करेंगे क्या, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, क्योंकि सप्लाई चालू रहेगा आग भड़कती जाएगी और ये ख़त्म होते जाएगा, मगर वो स्टॉप नहीं होगा सप्लाई। ठीक है, ध्यान में रखो इसका इस्तेमाल। अभी ये क्या करेंगे हम लोग, जहाँ पे ये फायर एक्सटिंग्विशर की कंपनी है, ये लेबल लगा हुआ है, उनसे बात करके इनका इनका वो रिपेयर करना चाहिए अपने को। ठीक है, फायर एक्सटिंग्विशर के बाद हमारे पास सैंड है, सैंड बकेट देख लो, यहाँ पे लेके आओ, सैंड बकेट है हमारे पास, क्या है, सैंड बकेट है। ये सैंड बकेट, सिर्फ सैंड रहना चाहिए, इसमें क्या है, आईडी कार्ड है, देख लो। तो ये चीज़ें नहीं होना चाहिए, हमारे पास सैंड बकेट है, इसका इस्तेमाल इलेक्ट्रिसिटी की आग बुझाने के लिए है। तो इलेक्ट्रिसिटी की आग बुझाने के लिए हम सैंड बकेट का क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, रख लो अभी, अभी हम लोग यहाँ इकड़ी आ सके नहीं, यहाँ पे आ जाओ, ये पकड़ लो, अभी आप देख, अभी हम लोग क्या करेंगे, जब आग लगती है हमको इस्तेमाल किससे करना है, आग लगती है तब वीडियो काट दे, वीडियो काट दे। अगर आग लगती है, आग लगने के बाद हमको हर एक को कहाँ से इस्तेमाल करना है, स्टेयरकेस का इस्तेमाल करना है, हमको लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं करना है बराबर। जब भी कोई भी स्टेयरकेस में कोई हैंडीकैप है, जिसको चलना नहीं आ रहा है, जिसको चोट लगी है, तो हम उसको कैसे उठाएंगे, कैसे लेके आएंगे उस स्टेयरकेस से, ये उसका ये हाथ पकड़ के हम लोग उसको कंधे पे पैर नीचे डाले आराम से, आपको चोट लगी, आप ये है बेहोश है, मुंडी नीचे करो, समझ गए, ये पोजीशन है हमारा, ये पोजीशन से हम क्या करेंगे उनको स्टेयरकेस से, हमारा एक हाथ क्या होना चाहिए, खाली होना चाहिए, जो हम स्टेयरकेस से सीढ़ी से जब निकलते हैं उसको पकड़ पकड़ के हम लोग उतर सकते हैं बराबर। आप देख सकते हो इस तरह से हमको जो हैंडीकैप है उसको इस तरह से हमको लेके आना है, अगर हम अकेले हैं तो, अगर हम दो हैं तो हम क्या करेंगे उसका उसके लिए हम लोग ये राइट हैंड मेरा लेफ्ट हैंड की कलाई को आप आ जाओ, सेम पोजिशन बने, आशा होगा राइट हैंड माता माता राइट हैंड है, दूसरा राइट हैंड ज्यादा, ये क्या हुआ हैंड सीट मेटर, इसके ऊपर इनको बैठना है, आ गया है ना, इनको पैर को चोट लगी है, इनको हम लोग इस तरह से बिठाएंगे,
इस तरह से क्या करेंगे हम लोग, हैंड स्वीप मेथड से कोई अपाइट है, कोई जिसको चलने नहीं आ रहा है, उसको हम स्टेयरकेस से इस तरह से आराम से उनको हैंड स्वीप मेथड से हम लोग क्या करेंगे, उनको लेके आएंगे बराबर। समझ गए सब लोग? इस तरह से हमको क्या करना है, इनको लेके आना है, हाँ, इनको लेके आके यहाँ पे इनको रखना है। ओके, समझ में आया? आप लोग करके दिखाओ, आप लोग राइट हैंड से लेफ्ट हैंड को, राइट हैंड से राइट हैंड, आपकी राइट हैंड से आपकी लेफ्ट हैंड की कलर को, और ठीक है, ये पोजीशन में हम उसको बिठा के उसको ले जाएंगे। आगे बढ़ो, थोड़ा ही ग्राउंड मारो यहाँ से लेके वहां तक। ठीक है, ये मेथड से हमको क्या करना है, इनको जो हैंडीकैप है, जब जिनको लगी चोट लगी हुई है, उनको हम लोग कहाँ से लेके आएंगे, स्टेयरकेस से हम लोग लेके आएंगे। कहीं से भी अगर किसी को, वो टाइम पे हमारे पास व्हीलचेयर नहीं है, कोई इंतज़ाम नहीं है, वो टाइम पे हमारे पास दो हाथ हैं, दोनों के दो हाथ हैं, टू वे में हम लोग लेके आ सकते हैं बराबर। हैंड सीट मेथड से किसी को उठाना है, किसी को लेके आना है, तो वहाँ से आराम से हम लोग लेके आ सकते हैं। तो ये हमेशा ध्यान में रखें, जब भी आग लगती है तब हमको लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं करना है, हमको स्टेयरकेस का, फायर एग्जिट डोर से हम स्टेयरकेस की तरफ जाएंगे और स्टेयरकेस से हम उनको लेके आएंगे बराबर, हैंड सीट मेथड के अनुसार। ठीक है, ओके, अभी हम लोग लिफ्ट की तरफ जाएंगे। आता तुम्हें बघू शकता है, ये लिफ्ट नंबर वन है, का है लिफ्ट नंबर वन है बराबर है। आता ह्याच्यामध्ये किती पॅसेंजरची कॅपॅसिटी आहे? कॅपॅसिटी 1013 पर्सनची कॅपॅसिटी आहे आणि 1000 केजीची कॅपॅसिटी आहे बराबर। आता अभी आपको समझना चाहिए, अगर इसके अंदर 13 से ज़्यादा जाते हैं तो हमको पहले ही रोकना है। क्या करना है? पहले ही उनको रोकना है बराबर। इसमें 13% की कैपेसिटी है तो 13 के अंदर से ही लोग जाना चाहिए बराबर। अभी इमरजेंसी में हमारे पास लिफ्ट के अलावा हमारे पास स्टेयरकेस है। क्या है? स्टेयरकेस है। जब भी इमरजेंसी होती है, यानी आग लगती है, तब हमको लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं करना है। क्या करना है? सिक्योरिटी को जो भी लिफ्ट है वो कहाँ पे लाना है? ग्राउंड पे लाके उसको बंद करना है। क्या करना है? ग्राउंड पे लाके उसके अंदर जो रहेगा उसको खाली उतारना है, निकालना है, और उसके बाद में लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं करना है जब तक आग पूरी तरह नहीं बुझ जाती, हमको कमांड नहीं आता है फायर से, तब तक हमको लिफ्ट का इस्तेमाल वापस नहीं करना है। क्योंकि लिफ्ट के अंदर अगर धुआं चला जाता है तो क्या होगा, हम लोग उसके अंदर स्मोक के वजह से हमारा दम घुट सकता है और हमारी जान चली जा सकती है। इसके लिए जब भी आग लगती है तब हमको इसका इस्तेमाल, लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं करना है। समझ गए सब लोग? लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं करना है। अगर पावर सप्लाई चला जाता है, क्या होता है, पावर सप्लाई चला जाता है, तो हम लोग क्या करेंगे, लिफ्ट का बैकअप होता है। अगर लिफ्ट का बैकअप नहीं है, लिफ्ट का बैकअप है तो क्या होगा, लिफ्ट कोई भी फ्लोर पे क्या करती है, कोई भी फ्लोर पे आ जाती है, जहाँ पे नज़दीक का फ्लोर है वो आ जाती है और डोर ओपन होता है। अगर बाय चांस डोर ओपन नहीं हुआ तो क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे हम लोग, चाबी कहाँ पे है, ये चाबी से हमको क्या करना है, इसको ओपन करना है। कहाँ पे ओपन कर, अभी दरवाजा तो खुला है, दरवाजा बंद करने के बाद ही ये इसका इस्तेमाल करके हम लोग ये चाबी को घुमा के दरवाजे को ओपन कर सकते हैं। समझ गए? सबको समझ में आया? अगर किसी की हाइट नहीं पहुंचती है तो पहले से ही
का इंतज़ाम करके हमको ये करना है, मगर अगर कोई अंदर फंसा है तब हमको उनको दिलासा देना है। क्या करना है? उनको दिलासा देना है कि हम आ गए हैं, आपको हम लिफ्ट का दरवाज़ा ओपन करेंगे, बराबर। आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, हम सिक्योरिटी है, हम यहाँ पे आ गए हैं, आपको डोर ओपन करके हम इसमें से बाहर निकालेंगे, बराबर। अगर कोई समस्या होती है तो नहीं तो लिफ्ट का दरवाज़ा डोर ओपन ऑटोमेटिकली होता है, क्योंकि उसके अंदर पहले से बैकअप होता है। अगर लिफ्ट की कंपनी कौन सी है, कौन से कंपनी की है, टायसन ग्रुप की है, बराबर। टायसन ग्रुप के जो भी एएमसी रहती है तो वो आते हैं यहाँ पे क्या करने के लिए, सर्विसिंग करने के लिए। उसी वक्त आपको उनसे ये सारी जानकारी लेनी है कि ये ऑटो पे है, बैकअप है, बराबर। जब लाइट बंद होती है तब इसका हमको दिखाना है, क्या करना है, दिखाना है कि ये लाइट चली जाती है तो फ्लोर पे रुकती है कि नहीं, समझ गए। उसका एक्सपेरिमेंट करके उनके से लेना है, समझ गए। जब लाइट चली जाती है तब आपको जब भी आएंगे वो क्या करने के लिए, सर्विसिंग करने के लिए आएंगे, तब तीनों के तीनों लिफ्ट फ्लोर पे रुकना ही चाहिए। फ्लोर पे रुकने के बाद वो डोर ओपन भी होना चाहिए। ये सब चीज़ें कंपनी की तरफ से होती है। अगर बाई चांस अगर दरवाज़ा नहीं खुला, बैकअप बैटरी डाउन है, तो हमको ये चाबी का इस्तेमाल करके हमको लिफ्ट ओपन करना है, बराबर। ये चाबी अपने को डालना है अंदर और उसको लेफ्ट साइड में घुमा के ये डोर को ओपन करेंगे। आधा बंद कर सकते अपन, बना वो बना बंद हो पति वरती जाए का वरती जाए। हाँ मैं दाम दो हाँ बंद झाल्यावर सप्लाय बंद झाल्यावरच आपण करू शकतो ना डोर, सप्लाय बंद झाल्यावर आपण हा डोर बंद करू शकतो परत। बंद करू हां नाही डोर बंद केल्यावर, हां ठीक आहे बंद करा। तो वरती जाणार, तो कमांड मिळाला ना, त्याला कमांड मिळाला तो वरती जाणार, ठीक आहे। तुम्हाला समजलं, ही चावी तुम्ही टाकून बघा, या साईडला, या साईडला लेफ्ट साईडला फिरवायची आपल्याला, बरोबर। ओपन करा, ठीक हां हां तर तुम्ही घ्या, लक्षात असू द्या, या साईडला लक्षात असू द्या। जेव्हा ओपन करा, तो ओपन होतो जेव्हा आपला दरवाजा ऑटोमॅटिकली बंद होईल, लाईट जेव्हा सप्लाय गेलेला असेल आणि दरवाजा ओपन होत नसेल, त्या टायमाला आपल्याला क्या करणार आहे, हमको चावी से हमको तुरंत ओपन करना है। मगर ओपन करने से पहले अगर उनको देर होती है, सामने वाला अंदर पैसेंजर है, तो उनको बताना है कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं, हम आ गए, हम लिफ्ट का डोर ओपन कर रहे हैं, हाँ आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं, समझ गए। लिफ्ट का इस्तेमाल तब करेंगे जब लिफ्ट अच्छी स्थिति में है, लिफ्ट अगर अच्छी स्थिति में नहीं है तब हम लिफ्ट के कंपनी को बुलाएंगे और लिफ्ट का क्या करेंगे, सर्विसिंग करेंगे, बराबर। सर्विसिंग करने के वक्त आपका ध्यान होना चाहिए, सर्विसिंग करने के बाद आपको एग्जामिन करना होगा कि ये लिफ्ट बराबर फ्लोर पे रुकती है कि नहीं, फ्लोर पे रुकती है तो ये लिफ्ट अच्छी तरह से चल रही है, समझ गए, समझ गए सब लोग। जब भी आएंगे एक हमारा सुपरवाइज़र, हमारा सिक्योरिटी गार्ड वो देखेगा, वो जानकारी लेगा कि चारों तीनों कितने लिफ्ट है यहाँ पे, तीन लिफ्ट है, तीनों के तीनों लिफ्ट बंद करके हमको दिखा दीजिए कि सप्लाई बंद होने के बाद वो फ्लोर पे रुकती है कि नहीं। अगर रुकती है तो ठीक है, अगर रुकती नहीं है, अगर इसका बैटरी का बैकअप खराब हुआ रहेगा, बंद हुआ रहेगा, ख़त्म हुआ रहेगा, तो हमको उसको रिपेयर करना होगा, बराबर। कभी कभी जब अगर ख़राब हो गई और ये इस्तेमाल करने की नौबत आ गई कि हमको चाबी का इस्तेमाल करने का नौबत आ गया, तो हमको ये फ्लोर पे देखना ही है, फ्लोर पे आई है कि नहीं।
फ्लोर पे आने के बाद हमको ये डोर को ओपन करना है। अगर फ्लोर पे नहीं है, बीच दीवार में खड़ी है, बीच दीवार में दोनों फ्लोर के बीच में अगर लिफ्ट खड़ी है तो हमको, अगर ये हाइट पे है बराबर है तो कोई जंप मारने को बोलेगा तो वो ये काम नहीं करना हमको, समझ गए। लिफ्ट का दरवाजा ओपन कर सकते हैं मगर जंप किसी को नहीं मारना है जब तक लिफ्ट लेवल पे नहीं आती। जब तक लिफ्ट लेवल पे नहीं आती तब तक हमको किसी को जंप मारने नहीं देना, ये ध्यान में रखो हमेशा। कभी कभी ऐसा होता है कि लिफ्ट का दरवाजा खुल गया तो लोग उड़ी मारने की कोशिश करते हैं, मगर उनको बताना है कि एक खतरा है, हमको लिफ्ट फ्लोर पे लेके आना है, आप डरिए मत, हमको फ्लोर पे मेन फ्लोर पे लिफ्ट को आने दो और फिर बाद में आप आराम से बाहर निकलिए। डरने की कोई आशंका नहीं है कोई, क्योंकि हम आपके साथ हैं। ये हमको बताना है, मुँह से बोलना है और फिर बाद में उनको आराम से उनको बाहर निकालना है जब फ्लोर पे आती है तो। किसी को ये ध्यान में रखो हमेशा जंप मारने नहीं देना, ठीक है, ओके। इस टाइम पे आप हमें ज़्यादा बोलेंगे और बीच में पेड़ डाल देंगे ना तो गलत है। आपका पेड़ बाहर होना चाहिए, आप फाइनल देखो लिफ्ट किधर है, या तो डायरेक्ट मुंडी डाल देंगे या तो पेड़ डाल देंगे, और लिफ्ट नीचे आ जाएगा तो आपका पेड़ भी लेके जाएगा या तो मुंडी लेके जाएगा। थोड़ा ध्यान से ये ध्यान में रखना है, नीचे खड्डा बहुत हो रहेगा बराबर, आप गिर सकते हो, एक्सीडेंट हो सकता है आपका। आप किसी की जान बचाने से पहले खुद की जान की आपको रक्षा करना है, बचाना है और उसके बाद में आपको ये इस्तेमाल करना है, ठीक है। जब आपका भी करो, दूसरे का भी करो, हाँ, दूसरे की जान बचाने के लिए अपनी जान को जोखम में नहीं डालना है, अपनी जान बचा के दूसरों की जान बचाना है, ये ध्यान में रखो, ठीक है, समझ में आए। और जब भी लिफ्ट वाले आएंगे, आते हैं ना लिफ्ट वाले, आते हाँ वो आते हैं तो उनसे बराबर ये ध्यान में रखना है। लिफ्ट बंद होती है और उसके बाद में फ्लोर पे आती है कि नहीं, ये देखना है। फ्लोर पे रुकनी है ना, रुकती है ना अच्छी, फ्लोर पे रुकती है। हाँ, अगर नहीं भी रुकता है लिफ्ट आपको बंद कर देने का, अगर बीच में अंदर में एक स्टूल है वो स्टूल का शायद आदमी को चाहिए तो आप इधर नीचे ले सकते हो, उनको हाथ लेके स्टूल के ऊपर खड़ा करके आप नीचे भी ले सकते हो, लेकिन वही टाइम पे आपको लिफ्ट वाले को आपको कॉल करना है और बुलाना है, ये ध्यान में रखो। लिफ्ट वाला कभी परमिशन नहीं देगा ये करने के लिए, मैंने बहुत बार देखा मैंने लिफ्ट वाले को ऐसे, लेकिन हम लोग को बुला लो आप और हम लोग आ जाएंगे, लेकिन डोर ओपन कर सकते हो, ऑक्सीजन हवा आने की चांसेस बहुत रहती है, मगर ये चीज़ें उतारना ये गलत रहता है और वो लोग परमिशन नहीं देते।